Hello students, welcome back. In our last video we have studied about the confusion matrix. With the forest fire example, let us discuss or recall it, and after that we'll continue with the evaluation methods. Okay, so confusion matrix mein hum logon ne example liya tha, there were two things, prediction and reality. और हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था फॉरेस्ट फायर का, जिसमें के प्रिडिक्शन किया गया एआई मॉडल के द्वारा कि फॉरेस्ट फायर है और रियलिटी में भी फॉरेस्ट फायर थी. दूसरा केस था जिसमें एआई मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि फॉरेस्ट फायर नहीं है और रियलिटी में फॉरेस्ट फायर नहीं थी. तीसरे केस में प्रिडिक्ट किया कि हाँ फॉरेस्ट फायर है लेकिन रियलिटी में नहीं थी. और फोर्थ केस में कहा गया कि प्रिडिक्ट किया गया कि फॉरेस्ट फायर नहीं है लेकिन रियलिटी में वो थी. तो ये चार पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा एज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. तो हम लोगों ने ये समझा था कि जब भी प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर जाती है तब केस होता है ट्रू केस. जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करती उस समय केस होता है फॉल्स केस. और जब भी कभी प्रिडिक्शन यस होती है उस समय पॉजिटिव केस होता है, एज लाइक हेयर ऑल्सो यस एंड पॉजिटिव. अगर प्रिडिक्शन नो होती है तो ये नेगेटिव केस होता है. तो चार केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. ये चार केसेस का बहुत बड़ा रोल है आगे इवैल्यूएशन मेथड समझने में. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों ने ये अभी नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, सो दैट की इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट. देखिए, now as we have gone through all the possible combinations of prediction and reality, let us see how we can use these conditions to evaluate the model. मतलब कि model को evaluate करने के लिए हम लोग इनको किस तरह से use करेंगे, right? अब कहते हैं what is accuracy. अब सबसे पहला model है accuracy model, right? तो अब देखते हैं हम लोग. ओके, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस आउट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. अब हम लोगों के पास चार ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन वो हम लोगों ने लेनी है जिसमें प्रेडिक्शंस करेक्ट होएंगी. करेक्ट प्रेडिक्शंस आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. अब देखो जरा, प्रेडिक्शन करेक्ट किसमें थी, एक तो इसमें और एक इस केस में. लाइक इन्होंने प्रेडिक्शन किया था यस कि फॉरेस्ट फायर है और रियलिटी में फॉरेस्ट फायर थी, और फिर प्रिडिक्शन किया था कि नो फॉरेस्ट फायर नहीं है और रियलिटी में फॉरेस्ट फायर नहीं थी. तो मतलब प्रिडिक्शन ट्रू हुई थी, है ना, प्रिडिक्शन सही हुई थी, करेक्ट प्रिडिक्शन थी. अ प्रिडिक्शन कैन बी सेट टू बी करेक्ट इफ इट मैचेस द रियलिटी. हियर वी हैव टू कंडीशंस इन विच द प्रिडिक्शन मैचेस विद द रियलिटी, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रू तब होता है जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच करती है, ठीक है, true positive and true negative. Hence the formula for the accuracy becomes accuracy is equal to correct prediction over total cases and multiply by 100% means hum log percentage use kar lenge. Accuracy is equal to true positive plus true negative over all the cases. Just have a look. So like I have made this table for accuracy only, just check it out. This is only for when the prediction and reality both matches, okay. So true positive and true negative cases over all the cases. So possible observations, see, these were the possible observations. Here total observations cover all the possible cases of prediction that can be true positive, true negative, false positive and false negative. Let me understand this with the help of example that we have understood earlier. Let us go back to the forest fire example. Assume that the model always predict that there is no fire. अब मॉडल ने ये बोला, प्रिडिक्ट करेगा हमेशा कि फॉरेस्ट में फायर है ही नहीं. अब बट इन रियलिटी देयर इज 2% चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर ब्रेकिंग आउट. इन दिस केस 98 केसेस के लिए द मॉडल विल बी राइट, बट फॉर दोज टू केसेस इन विच देयर वाज अ फॉरेस्ट देन टू द मॉडल प्रिडिक्टेड नो फायर. अब उसके लिए भी उसने ये बोल दिया कि फायर तो है ही नहीं, मॉडल ने यही प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने पहली लाइन में बोला अज्यूम दैट द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट that there is no fire. Assume that the model always predict that there is no fire.
वो कहता है ज़ूम कर लो कि मॉडल हमेशा यही बोल रहा है कि फायर है ही नहीं। तो अब देखो टोटल केसेस थे 100, अब उसने क्या है, उसने प्रिडिक्ट किया कि फायर है ही नहीं। अब उसने कहा प्रिडिक्ट किया नो देयर इज नो फायर और रियलिटी में नो फायर थी, तो ये कौन सा केस हुआ, ट्रू नेगेटिव। तो ट्रू नेगेटिव में देखिए अब वो बोल रहा है ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं, 98 है, कि उसने कहा कि फॉरेस्ट फायर नहीं है और फॉरेस्ट फायर सच में नहीं थी। अब ट्रू पॉजिटिव केस कौन सा हुआ कि उसने प्रिडिक्ट किया यस और रियलिटी में भी यस हुई, लेकिन उसने कहा है कि इसमें तो वो हमेशा प्रिडिक्ट करेगा कि फायर नहीं है, तो ट्रू पॉजिटिव केस तो जीरो हो गया। तो एक्यूरेसी तो 98% बन गई, बिकॉज 98 केसेस में वो सही रहा है और यू नो प्लस 98 केसेस 100 में से सही रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता था, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव ओवर ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो ट्रू पॉजिटिव केसेस तो थे ही नहीं, जीरो आ गया, और ट्रू नेगेटिव केसेस 98 है डिवाइडेड बाय 100, 98% एक्यूरेसी आ गई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको लगता है ये मॉडल सही है, क्योंकि वैसे तो इसकी एक्यूरेसी आ गई यू नो 98% एक्यूरेसी आ गई। अब आपको लगता है 98% एक्यूरेसी में भी ये मॉडल सही है, मेरे मानने से ये मॉडल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए जो दो केसेस में फायर लगी हुई थी और इसने प्रिडिक्ट कर दिया कि फायर नहीं है, वो तो एक ही केस बहुत है। अब उस केस में तो फायर लग गई और फॉरेस्ट तो तबाह हो गया, खत्म हो गया, तो हम लोग मॉडल क्यों बना रहे हैं, वी हैव स्पेंड सो मच मनी फॉर दिस एआई मॉडल। अब अगर वो एक केस भी गलत हो जाता है तो फॉरेस्ट में आग तो लग गई, उसके बाद में तो एआई मॉडल की जरूरत ही नहीं है। तो मींस हम लोगों को कोई ऐसा मॉडल चाहिए जो एक भी गलती ना करे, तो आई डोंट थिंक सो दिस मॉडल इज एक्यूरेट। आगे देखते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन में उसने बोला ऑलवेज नो, लेकिन रियलिटी में 2% प्रोबेबिलिटी आ गई यस, 98% एक्यूरेट हो गया। पर आपको लगता है ये यूजफुल है, देयर इज अ फेयरली हाई एक्यूरेसी फॉर एन एआई मॉडल। ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक्यूरेसी तो 98% एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, बट दिस पैरामीटर इज यूजलेस फॉर अस एज द एक्चुअल केसेस वेयर द फायर ब्रॉक आउट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। वो तो एक्चुअल केसेस तो लिए ही नहीं जिसमें फायर आ सकती है, हेंस देयर इज अ नीड टू लुक एट अनदर पैरामीटर विच टेक्स अकाउंट ऑफ सच केसेस एज वेल। मतलब वो फायर को लगने वाले केसेस भी लेना कि प्रिडिक्ट करें यस कि फायर हो सकती है वहां पे। तो इसीलिए अब हम लोग अगला मॉडल देखने जा रहे हैं जो है प्रिसीजन मॉडल, राइट। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। अब जरा देख लेते हैं हम लोग, उसने बोला ट्रू पॉजिटिव केसेस। अब ट्रू पॉजिटिव केसेस कौन सा होता है जिसमें प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों ही ट्रू है, तो दिस इज नोन एज ट्रू पॉजिटिव केस। और जिसमें सारे प्रिडिक्टेड पॉजिटिव होंगे तो वो कौन से हैं, दो केसेस हैं, प्रिडिक्शन ये वाला और प्रिडिक्शन ये वाला, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, ये दोनों जहां पे यस प्रिडिक्ट किया गया है। ओके, तो ये फॉर्मूला होएगा एज लाइक हम लोगों ने एक्यूरेसी का फॉर्मूला देखा। गोइंग बैक टू द फॉरेस्ट फायर एग्जाम्पल, इन दिस केस अज्यूम दैट द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट दैट देयर इज अ फॉरेस्ट फायर इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी। एक्यूरेसी वाले मॉडल में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमेशा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि फॉरेस्ट फायर नहीं है, और 2% केसेस में वो फॉरेस्ट फायर आ गई, तो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं रहा। तो अब इसमें वो अज्यूम कर रहा है ऑलवेज प्रिडिक्ट दैट देयर इज अ फॉरेस्ट फायर इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी। ये नहीं चेक कर रहा कि फॉरेस्ट फायर है रियलिटी में है या नहीं, बस प्रिडिक्ट हमेशा के लिए यस कर रहा है। तो क्योंकि इसमें उसने लिए ही वही केसेस है ना जिसमें प्रिडिक्ट यस कर रहा है, तो ध्यान से देखो, तो इन दिस केस ऑल द पॉजिटिव कंडीशंस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट दैट इज ट्रू पॉजिटिव, जहां प्रिडिक्शन भी यस है और रियलिटी भी यस है, एंड फॉल्स पॉजिटिव जहां प्रिडिक्शन यस है लेकिन रियलिटी नो है। इन दिस केस द फायर फाइटर्स विल चेक फॉर द फायर ऑल द टाइम टू सी इफ द अलार्म वॉज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें चाहे तो अलार्म ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, चाहे फायर लगी हो या ना लगी हो, अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि यस देयर इज अ फायर, तो फायर फाइटर्स जो फायर को आग को बुझाने के लिए भागते हैं वो हमेशा भागेंगे, और फायर और उनका जो विजिट होएगा वो अगर फायर रियलिटी में ना हुई और मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया हुआ कि यस देयर इज फायर, तो उनका जो वो राउंड होएगा वो खराब जाएगा, उनकी जो विजिट होएगी दैट विल बी नो यूज। ओके, एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, एक बार एक गडरिया होता है, मतलब छोटे होते एक स्टोरी थी, वो इन्होंने यहाँ पे भी बताई है कि जो भेड़े चराने के लिए जाता है ना उसको गडरिया बोलते हैं। तो वो भेड़े चराने के लिए रोज लेके जाता था,
तो थोड़ा शरारती था, तो वो उसने क्या बोला कि चीख चिहाड़ा डाल देता था कि शेर आ गया या भेड़िया आ गया। तो क्या था कि लोग भाग के उसके पास आते थे और बाद में वो मजाक कर देता था बच्चों की तरह, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो मींस कि अब लोगों ने एक बार तो उसकी मदद करने के लिए गए और फिर मतलब अपना काम धंधा छोड़ के जाते थे, तो दूसरी बार फिर उसने किया कि शेर आ गया बचाओ बचाओ, तो दूसरी बार भी गए लेकिन दूसरी बार भी वो मजाक कर रहा था। तो तीसरी बार कुछ ऐसा हुआ कि असली में शेर आ गया, तब वो बहुत चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। तो ये स्टोरी हमारे ये फायर फाइटर्स के लिए भी है। अब इसमें क्या है, सिमिलरली हियर इफ द प्रिसीजन इज लो मींस देयर आर मोर फॉल्स अलार्म देन द एक्चुअल वन। अब वो अलार्म बार बार बजाया जा रहा है कि फायर लग गई है, फायर लग गई है, तो अब क्या है, देन द फायर फाइटर वुड गेट कॉम्प्लेसेंट एंड माइट नॉट गो। उनको होगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, एंड चेक एवरी टाइम कंसीडरिंग इट कुड बी अ फॉल्स अलार्म। और वो उनको अगर मान लीजिए 10 बार अलार्म के लिए गए और 11वीं बार एक्चुअल में फायर लगी और उनको लगा कि ये फॉल्स अलार्म है और वो ना गए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फायर तो लग गई। तो ये वही झूठा भेड़िया वाली स्टोरी हो गई। तो अब इसमें आगे पढ़ के देखते हैं, दिस मेक्स प्रिसीजन एन इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया। प्रिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया है। इफ प्रिसीजन इज हाई दैट मीन्स अ ट्रू पॉजिटिव केसेस आर मोर एंड गिविंग लेसर फॉल्स अलार्म। तो अगर प्रिसीजन हाई होएगा, प्रिसीजन हाई का मतलब एक बार प्रिसीजन का मॉडल देख लेते हैं, इसमें क्लियर है प्रिडिक्शन यस, ठीक है। प्रिसीजन हाई होने का मतलब है कि प्रिडिक्शन यस एंड रियालिटी यस, और प्रिडिक्शन यस और रियालिटी नो। और प्रिसीजन तब होएगा जब ये वाला फर्स्ट वाला केस चलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर प्रिसीजन हाई है, दिस मींस दैट ट्रू पॉजिटिव केसेस आर मोर एंड गिविंग लेस फॉल्स अलार्म। अब इसमें प्रिडिक्शन है, सपोज करते हुए कहते एग्जांपल लेते हैं, प्रिडिक्शन उसने किया 10 केसेस का और रियलिटी में 20 केसेस आए, तो प्रिसाइज तो ये 100% है क्योंकि उसने 10 केसेस थे, 10 में से 10 केसेस उसने रियलिटी वाले पकड़ लिए, लेकिन रियलिटी के तो 20 केसेस थे। अब आपको लगता है कि ये भी यूजफुल है? Let us consider that a model has 100% precision. वो तो है, उसने 100% उसने 10 cases को predict किया और 10 के 10 cases उसने पकड़ लिए, लेकिन actual cases तो 20 थे, which means that whenever the machine says there is a fire, there is actually a fire. तो जो क्या था, true positive case था. In the same model, there can be a rare exceptional case where there was actual fire but the system could not detect it. देखिए हमारे चार model थे जिसमें प्रिडिक्शन नहीं हुआ, चौथा मॉडल ये भी तो था कि प्रिडिक्शन नहीं हुआ लेकिन रियलिटी में फायर है। अब ये तो फॉल्स नेगेटिव, ये तो उसने कंसीडर ही नहीं किया। देखो जरा, वो कहता कि देयर कैन बी अ रेयर एक्सेप्शनल केस वेयर देयर वाज एक्चुअल फायर बट द सिस्टम कुड नॉट डिटेक्ट इट, दिस इज द केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव कंडीशन, बट द प्रिसीजन वैल्यू वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि वो तो जो केसेस वो बोल रहा है वो तो 100% सही आ रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट टेक द एफ एन दैट इज फॉल्स नेगेटिव इन टू अकाउंट। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या प्रिसीजन एक गुड पैरामीटर है मॉडल परफॉर्मेंस के लिए? मेरे ओपिनियन से ये नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें फिर से कोई और मॉडल देखना पड़ेगा, और जो मॉडल है रिकॉल मॉडल, ये हमारा थर्ड इवेल्युएशन का मेथड है। तो पहले हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ये एक्यूरेसी के और यू नो प्रिसीजन के मॉडल को जरा ध्यान से सोच के देखिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास है, अब इससे एक्यूरेसी का मॉडल और प्रिसीजन का मॉडल आप खुद बना के देखिए। अब आपको एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, वो क्या था, एक्यूरेसी में उसने दोनों ही ट्रू केसेस लिए थे, मतलब जहां प्रिडिक्शन भी यस है और रियलिटी भी यस है, और प्रिडिक्शन भी नो है तो रियलिटी भी नो है, तो ये ट्रू केसेस लिए थे। और प्रिसीजन में उसने दोनों ही पॉजिटिव केसेस लिए थे। पॉजिटिव केसेस का मतलब क्या है, जिसमें प्रिडिक्शन यस होएगी तो वो पॉजिटिव केसेस होएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एक बार रिवाइज करोगे। तो अगला वाला जो रिकॉल मॉडल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।